नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एचडी परिवार में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आईएएस और पीसीएस पर जो है प्रीलिम्स बहुत अधिक नजदीक आ गया है, तो ऐसे टाइम पीरियड पे सभी के दिमाग में ये रहता है कि सब्जेक्ट वाइज कुछ ऐसे क्वेश्चन मिल जाएं या कुछ ऐसे टॉपिक कवर हो जाएं, कुछ ऐसे फैक्ट कवर हो जाएं जो हमें एग्जाम में हेल्प कर दे और आपकी एग्जाम की जो आप एग्जाम देने वाले हैं आपकी सफलता को सुनिश्चित कर दे। तो वही कुछ क्वेश्चन लेके हम आए हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे कवर कराने वाले हैं सब्जेक्ट वाइज, कुछ क्वेश्चन ऐसे कवर कराने वाले हैं हम जो 100% चांसेस हैं या वो प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से आपकी हेल्प करने वाले हैं, आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो देख लेते हैं हमें कौन कौन से क्वेश्चन हैं, आइए चेक करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए विचार कर लेते हैं और जानते हैं कि इनमें से कौन कौन सा सही है और कथन क्या दिए गए हैं। पहला कथन है कि तारांकित प्रश्नों के उत्तर लिखित उत्तरों के माध्यम से दिए जाते हैं जिन्हें सदन के पटल पर रखा जाता है। और दूसरा क्या दिया गया है कि सदन के पटल पर अतारांकित प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप से दिए जाते हैं। और तीसरा क्या दिया गया है कि अल्प सूचना प्रश्न जो है वो लोक महत्व के मामलों के से संबंधित होते हैं। तो क्या ये सही है, कैसे दिए जाते हैं, आइए ये चेक करते हैं। देखिए, प्रश्न 3 प्रकार के होते हैं, अर्थात तारांकित है, अतारांकित है और अल्प सूचना पत्र है। बात करें तारांकित प्रश्न की तो इनका सदन के पटल पर मौखिक रूप से उत्तर दिया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, फैक्ट जो होते हैं वो बहुत बेसिक होते हैं, मगर वहीं से क्वेश्चन को चेंज किया जा सकता है, सही गलत बनाया जा सकता है, ठीक है। और दिए गए उत्तर के संदर्भ में सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार है। ये भी एक पॉइंट होता है कि पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार है कि नहीं है, यहां से भी चीजें क्रिएट होती हैं। अतारांकित प्रश्न की बात करें तो ये लिखित उत्तर मांगते हैं जो सदन के पटल पर रखे जाते हैं और ऐसे उत्तरों के संबंध में कोई पूरक नहीं मांगा जाता है। ये चीज ध्यान में रखिएगा, मौखिक होता है कि लिखित होता है और कौन सा होता है। अल्प सूचना प्रश्न की बात करें तो इन्हें केवल अत्यावश्यक प्रकृति के सार्वजनिक महत्व के मामलों के संबंध में 2 सदनों के नियमों में प्रदान की गई तुलना में कम सूचना पर रखा जा सकता है और मौखिक रूप से तारांकित प्रश्नों के रूप में उत्तर दिया जाता है। राज्यसभा, लोकसभा, सचिवालय किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए संबंधित मंत्री का कम से कम 5 दिन का नोटिस देते हैं। तो जो फैक्ट है वो याद रखना है, पूरक प्रश्न हो सकता है कि नहीं हो सकता ये भी याद रखना है, और उत्तर लिखित होंगे या मौखिक ये भी याद रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है कि केवल इसमें 3 सही है। इसमें बोला गया है कि अल्प सूचना पत्र लोक महत्व के मामलों से संबंधित होते हैं, यहाँ पर चीजें चेंज कर दी गई हैं, तो इसलिए पहला और दूसरा गलत हो जाता है, आंसर केवल 3 यानी कि बी हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो 7वीं अनुसूची के बारे में दिया गया है। 3 प्रश्न दिए गए हैं। 7वीं अनुसूची आप जानते हैं कि 3 सूची इसके अंदर होती है। पहली जो होती है वो संघ सूची होती है, दूसरे नंबर पर राज्य सूची और तीसरे पर समष्टि सूची, यानी कि दोनों विषय इसके अंदर होते हैं, संघ के भी और अपशिष्ट विषय जो होते हैं, यानी कि दोनों पे कानून बना सकते हैं। वो विषय जो संघ सूची से छूट गए हैं, वो विषय जो राज्य सूची से छूट गए हैं, वो तीसरे में आते हैं, समावेश सूची यानी कि समवर्ती सूची जिसको बोलते हैं, उस पर दोनों ही कानून बना सकते हैं। और यदि अवरोध हो जाता है, विरोध हो जाता है दोनों में, तो संघ का माना जाएगा। ये फैक्ट है, यह आप भी जानते हैं, मगर कथन क्या दिए गए हैं, आइए ये चेक करते हैं। फर्स्ट कथन क्या है कि संसद के पास राज्य सूची में उल्लेखित भारतीय किसी भी हिस्से के लिए किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति होती है। देखिए, जो संसद है वो किसी भी हिस्से के लिए, पर्टिकुलर किसी हिस्से के लिए, राज्य किसी भी विषय पे कानून बना सकते हैं। उसके पर्टिकुलर कुछ सिचुएशन हो सकती है जिनके पे कुछ सिचुएशन दी गई है जहां पर वो कानून बना सकती है। वो कौन कौन सी है वो अलग विषय है। आइए दूसरे कथन पे चलते हैं। दूसरा कथन क्या है कि 7वीं अनुसूची जो सूची 3rd है उसमें उल्लेखित किसी भी मामले के संबंध में राज्य के पास कानून बनाने की शक्ति नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि समवर्ती सूची पे राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, इसलिए दूसरा कथन जो है वो गलत हो जाता है। तीसरा क्या है कि 7वीं अनुसूची की जो 1st है उसमें उल्लेखित किसी भी मामले के संबंध में राज्य जो कानून बनाने की जो शक्ति है वो अन्य शक्ति राज्यों के पास है, ऐसा नहीं है। 1st कौन सी है, संघ सूची है, तो राज्य को उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं हो जाता है। तो तीसरा भी गलत, दूसरा भी गलत, पहला सही, और हमें क्या चुनना है, सही चुनना है, यह भी ध्यान रखिएगा। तो आंसर केवल 1 यानी कि बी इसका आंसर हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है कि डिजिटल राइट्स और डिजिटल डिवाइड
के सिद्धांत पर डिक्लेरेशन किसने लॉन्च किया है? तो वो लॉन्च किया है यूरोपीय संघ ने, ये फैक्ट है, याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि हैदराबाद घोषणा हाल ही में खबरों में थी, किसके लिए, यानी इसके लिए अपनाया गया था या किसके लिए अपनाया गया, क्या चीज है, क्या क्या है हैदराबाद घोषणा, आइए ये देखते हैं। देखिए, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग जो है, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी जो मंत्रालय है, भारत सरकार ने तेलंगाना सरकार के सहयोग से ई पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया, कहाँ पर, हैदराबाद में, हैदराबाद सम्मेलन। जैसा कि भारत आजादी के 75वें वर्ष की आजादी अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है, नागरिक और सरकार के करीब लाने के लिए, अगली पीढ़ी के प्रशासनिक सुधार को अपनाने के लिए प्रधानमंत्री का आह्वान सम्मेलन जो है वो विचार विमर्श का केंद्र बिंदु था। तो ठीक है, क्या है कि सरकार और जो अगली पीढ़ी है उसको पास लेके आना है, तो आंसर क्या होना चाहिए कि नागरिक और सरकार के करीब लाने के लिए अगली पीढ़ी के प्रशासनिक सुधार सम्मेलन के विचार विमर्श करने का बिंदु रहा है, तो यही इसका आंसर हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि अस्थायी समिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो विचार करते हैं और जानते हैं कि क्या क्या कथन दिए गए हैं और इनमें से कौन सा सही है। पहला क्या है कि वे संबंधित मंत्रालयों विभागों से संबंधित ऐसे विधेयकों की जांच करते हैं जिन्हें सभापति, राज्यसभा अध्यक्ष और लोकसभा द्वारा समिति को भेजा जाता है। अगला क्या दिया गया है कि अस्थायी समिति का कामकाज भारत के राष्ट्रपति द्वारा शासित किया जाता है। कुछ चीजें जो ना है ना वो एग्जाम में आपको स्पष्ट दिखाई देंगी, बस ये दिमाग जो है वो खुला रखना, प्रेशर मत लेना, जब आप एग्जाम दे रहे होंगे, क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे, लेकिन फोकस ये चीजें नॉर्मल रहेगी ना, बिल्कुल फोकस रहेगी, तो कुछ चीजें स्पष्ट दिखाई देंगे कि ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। तीसरा क्या है कि समितियों के सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता ही, ये फैक्ट है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे कि कार्यकाल कितने का होता है, और ये चीजें बहुत फंसाता है यूपीएससी भी और पीएचएससी। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रत्येक अस्थायी समिति जो है 31 से अधिक सदस्य नहीं होते हैं, 21 सदस्य जो है लोकसभा के सदस्यों में अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, और 10 सदस्य जो है वो राज्यसभा के सभापति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों से में मनोनीत किए जाते हैं। ये ध्यान रखिएगा कौन मनोनीत कर रहा है, कितने सदस्य कहाँ से मनोनीत हो रहे हैं, ये फैक्ट है, ये याद रखने की चीजें हैं, ठीक है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। आगे चलते हैं। एक मंत्री को समिति के सदस्य के रूप में नामित नहीं किया जाता है, अब ये नामित हो सकता है कि नहीं, ये भी फैक्ट याद रखना है। यदि किसी सदस्य की समिति में नामांकन के बाद मंत्री नियुक्त किया जाता है, मान लीजिए वो किसी समिति के अंदर ले लिया गया है और उसके बाद उसका मंत्री बना दिया जाता है, तो क्या होगा, ऐसा सदस्य ऐसी नियुक्ति की तिथि से, जब मान लीजिए मंत्री बना दिया गया है तब से समिति का सदस्य नहीं रहेगा, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। राज्यसभा से समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति जो है वो सभापति द्वारा की जाती है, और लोकसभा और समिति के अध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो अध्यक्ष द्वारा की जाती है, तो किसके द्वारा नियुक्ति की जा रही है ये भी याद रखना है। समितियों के सदस्यों की पदावधि 1 वर्ष से अधिक नहीं होती है, तो ये भी ध्यान रखना है कि उसका जो वर्ष है, उसका जो काल है वो कितना है, ठीक है। अस्थायी समिति का जो कामकाज है वो संसदीय समितियों से संबंधित सामान्य नियमों द्वारा शासित होता है, संबंधित मंत्रालय विभाग से संबंधित ऐसे विधेयकों की जो जांच करना जो सभापति, राज्यसभा अध्यक्ष, लोकसभा और जैसे कि मामलों, जैसा भी मामला हो, कोई भी मामला हो, द्वारा समिति को भेजे गए हैं और उनको रिपोर्ट तैयार करनी होती है। तो यहां से हमें क्या पता चला, ये भी गलत है, अस्थायी समिति का जो कार्यकाल 2 वर्ष है ये फैक्ट भी गलत है क्योंकि 1 साल है, केवल 1 सही है, तो आंसर केवल 1 यानी कि बी। देखिए लगातार बी आंसर चल रहा है, ऐसा वहां मत कर देना यहाँ पर चल रहा है, जब आप एग्जाम में हो कि वहां पर बी चल रहा, तो हो सकता है बी ज्यादा सही होते हो, ऐसा नहीं है, ये हमारे द्वारा क्रिएट किए गए क्वेश्चन हैं, तो ये क्वेश्चन जो हैं आपको हेल्प करेंगे, या तो प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिल सकते हैं तो आपको आपका मजा ही आ जाएगा, मगर यदि नहीं मिले तो अप्रत्यक्ष रूप से आपकी हेल्प करेंगे ही। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में अगला क्वेश्चन है, और 3 कथन दिए गए हैं, हमें देखना है कौन सा सही है कौन सा नहीं है। देखिए पहला क्या है कि इन समुदायों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 141 के 1 के प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित किया गया था। फैक्ट है, ये याद रखना है कि ये फैक्ट सही है कि नहीं, यदि फैक्ट याद होगा तो तुरंत आप बता देंगे ये गलत है कि सही है। आगे क्या दिया गया है कि आयोग अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित मामलों की जांच करना और उनकी निगरानी करता है। अब सही है कि नहीं है ये चेक करना है। आयोग वनों के संरक्षण के संबंध में जनजाति और वनों के बीच सहजीव संबंध को उनके पारंपरिक ज्ञान के मान्यता देता है। कुछ चीजें जैसे मैं आपको बता रहा था, पढ़ते ही पता चल जाता है कि ये गलत है कि सही है, ठीक है।
अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, आयोग के बारे में थोड़ा देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी आए हम आपकी हेल्प करते हैं, आपको बताते हैं कि आपका सिलेक्शन होना बहुत जरूरी है, प्रीलिम्स निकलना बहुत जरूरी है, तो टॉपिक क्लियर होना जरूरी है। देखते हैं क्या दिया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो है उसकी स्थापना अनुच्छेद 238 में संशोधन करके, संविधान कौन सा संशोधन किया गया था, 89, ठीक है। अधिनियम कब किया गया था, 2003 के माध्यम से संविधान में एक नया जोड़ा गया, क्या 338 का ए सम्मिलित करके की गई थी, ठीक है। तो क्या जोड़ा गया था, किस में संशोधन किया गया था, कौन सा संशोधन था, कब किया गया था, सब क्लियर हो गया, सब फैक्ट याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अध्यक्ष उपाध्यक्ष प्रत्येक सदस्य के पद का कार्यकाल, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि जो है वो 3 वर्ष है, ठीक है। कितना टाइम पीरियड है याद रखिएगा। अध्यक्ष को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है, उपाध्यक्ष को राज्य मंत्री और अन्य सदस्य को भारत सरकार के सचिव का दर्जा दिया गया है। इन समुदाय को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 242 के एक के प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित किया गया है। वहां पर 341 दिया गया था, उसका एक दिया गया था, गलत हो जाए है, सही क्या है, 342 का एक है। तो याद रखिएगा कुछ बेसिक फैक्ट्स, ये चीजें चेंज की जाती हैं। संविधान या अन्य कानून या सरकार के तहत एसटी के प्रावधान जो है, जो प्रदान किए गए हैं, सुरक्षा उपायों से संबंधित मामलों की जांच और निगरानी करना, आदेश ऐसे सुरक्षा उपायों के कार्यकाल का मूल्यांकन किए गए हैं, तो जो निगरानी जांच की बात की गई है वो बिल्कुल सही है। आगे जैसे मैं आपको बता रहा था कुछ चीजें पढ़ते पता चल जाता है। देखिए 2006 का वन अधिकार अधिनियम, वन जो वनों के साथ अनुसूचित जनजातियों के सहजीव संबंध का पहचानता है और वनों की उनकी जो निर्भरता है, साथ साथ वनों के संरक्षण के संबंध में उनके पारंपरिक ज्ञान में परिलक्षित होता है। तो आंसर क्या है, आंसर 3 गलत है, 2 सही है और पहला भी गलत है। अनुच्छेद जो है गलत दिया गया है, तो पहला गलत, तीसरा गलत, केवल 2 सही, तो आंसर सी हो जाता है, ठीक है, आंसर सी हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है कि कल्याणकारी राज्य के प्रावधान सब जानते हैं, यदि ये भी कोई क्वेश्चन नहीं जानता तो आप सर हिलाइए और देखिए कि वहां पर कुछ है कि नहीं है, वहां पर आपको खाली महसूस होगा, क्योंकि इतना बेसिक क्वेश्चन है, इतना बेसिक क्वेश्चन है, हर जगह आपको देखने को मिलता है, थोड़ी सी भी स्टडी की है तो आप आंसर दे देंगे, सी इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी शर्त है जिस पर एक सदस्य अयोग्य घोषित किया जा सकता है कि ये सदस्य नहीं रहा, ये अयोग्य हो गया, और हमें सही चुनना है तो चुन लेते हैं। पहला क्या दिया गया है, यदि वह लाभ का पद पर हो, बिल्कुल सही बात है, ये आपने बहुत पढ़ा होगा, लाभ का पद बहुत चर्चा में रहता है, ठीक है। दूसरा क्या दिया गया है कि वह विकृत चित्त हो गया हो, दिमाग खराब हो गया हो, दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो बिल्कुल वो उसका सदस्य रहने का मतलब ही क्या हो जाता है, इसका दिमाग ही खत्म हो गया। आगे क्या दिया गया है कि यदि उसने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली है, बात ही खत्म हो गई, जो चलाई कहीं गया वो हमारा कैसे रहा, तो सदस्य तो वहां की जाएगी जाएगी। अगला क्या दिया गया है कि यदि उसके विलायक छोड़ा जाता है, तो ऐसा नहीं है, केवल 1, 2, 3, यानी कि आंसर क्या हो जाता है, डी इसका आंसर हो जाता है। हमारा यह प्रयास आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।